हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिगो फेक लेटर स्कैम के बारे में, या फिर इंटरव्यू लेटर फ्रॉड के बारे में, या फिर ज्वाइनिंग लेटर फ्रॉड के बारे में, या इंडिगो का फेक कॉल या फेक ईमेल, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। प्लीज शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। तो दोस्तों, आए दिन कोई ना कोई फ्रॉड होता रहता है एयरलाइन जॉब के नाम पे, या फिर कॉल आती है, तो इंडिगो के नाम से बहुत से फेक कॉल लेटर भेजे जाते हैं लोगों को, खासकर फ्रेशर को, जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती और वो इसमें फंस जाते हैं। तो ये कैसे होता है, देखिए दो तरीके से होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि स्कैमर करते क्या हैं, ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं ये, और ये लोग फेक पोस्ट करते हैं हायरिंग की, रिक्रूटमेंट की, कभी ग्राउंड स्टाफ के नाम से, कैबिन क्रू के नाम से, एयरपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव के नाम से, काउंसलर कस्टमर सपोर्ट के नाम से, और आप वहाँ पर जाकर अप्लाई करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के पास पहुँच जाती है, या फिर ये लोग खुद जॉब पोर्टल से इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, या कहीं ना कहीं आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो दोस्तों, इस तरीका से ये लोग आप तक पहुंचते हैं, और ये स्कैमर फेमस जॉब पोर्टल पे बहुत एक्टिव है, जैसे कि Naukri.com या फ्रेशर पे, या फिर शाइन पे, या फिर OLX पे, या जितने भी LinkedIn, जितने भी आपको जॉब पोर्टल दिखेंगे या फिर प्रोफेशनल पोर्टल दिखेंगे, वहाँ पे आपको ये लोग एक्टिव दिखेंगे, क्योंकि लोगों को जाहिर सी बात है जॉब की बहुत ज़रूरत है। तो ये लोग आपको ईमेल भेजेंगे या कॉल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉल में क्या कहते हैं। कॉल में ये आपको कॉल करते हैं और बताते हैं कि इंडिगो से बोल रहे हैं, और आपकी जो प्रोफाइल है या आपने जो भी CV लगाया वो शॉर्टलिस्ट करी गई है, या फिर आप इंटरेस्ट हैं दिखा रहे हैं, तो ये लोग आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे आपका नाम, आपकी डिग्री, और आपका हाइट, आपका कॉम्प्लेक्शन, ये सब चीज़ पूछेंगे आपको विश्वास दिलाने के लिए कि ये इंडिगो से बोल रहे हैं। उसके बाद ये कहेंगे कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। आप एप्टीट्यूड टेस्ट आप जितना भी घटिया दें तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इनका मकसद कुछ और है। उसके बाद टेलीफोनिक राउंड होगा, उसमें भी आप पास हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये बताएंगे कि आपको भेजना है आपका ID प्रूफ, आपको अपना फोटोग्राफ, आपको अपनी मार्कशीट भेजनी है, डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। उसके बाद ये बताएंगे कि आपका फेस टू फेस इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। अब इसके लिए आपको फला एयरपोर्ट पर पहुँचना पड़ेगा, जैसे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम ले लेंगे। अब बहुत सी फेक कॉल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के नाम से आती है जिसमें पैसा मांगा जाता है, तो आपको वो नहीं देना, वो सारी जॉब फेक है। तो ये लोग बता देंगे या फिर कोई और एयरपोर्ट का नाम ले लेंगे। उसके बाद ये लोग कहेंगे कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका मेडिकल कराया जाएगा, उसके लिए आपको फीस देनी है जो कि रिफंडेबल है, कुछ परसेंट या पूरी, तो ये आपको देनी पड़ेगी। या फिर ये लोग बता देंगे कि आपका सिलेक्शन हो ही गया है कंपनी में, तो उसके लिए ये आपको कॉल लेटर भेजेंगे कोर्ट के साथ, उसके लिए भी ये आपसे पैसा मांगेंगे, या फिर ये आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस या एप्लीकेशन फीस या ट्रेनिंग फीस मांगेंगे, पैसा मांगेंगे आपसे, जो कि आपको नहीं देना। अगर आप देते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो दोस्तों, मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है या फिर चालान के थ्रू हो सकता है, ज़्यादातर चालान के थ्रू ही मांगते हैं, कोई भी बैंक होगा या कोई भी नाम से होगा इनके अकाउंट होल्डर के नाम से, उसके बाद ही आपसे पैसा मांगेंगे। अब ईमेल में क्या होता है, ईमेल में ये लोग आपके पास कॉल लेटर भेजेंगे, इंटरव्यू लेटर भेजेंगे, ज्वाइनिंग लेटर भी भेज सकते हैं। अब कॉल लेटर में ये बताते हैं कि फला पोस्ट के लिए आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट करी गई है, आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू का डेट, टाइम, प्लेस सब कुछ बता दिया जाएगा। उसके बाद नीचे बताएंगे जॉब लोकेशन क्या है, कितनी पोस्ट निकली है, कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, क्या आपकी सैलरी है, पूरी सैलरी बताएंगे आपको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आप इसमें इंटरेस्ट दिखाएं। उसके बाद नीचे ये आपसे पैसा मांगेंगे कि ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, या आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, या फिर आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये सब चीज़ रिफंडेबल है। तो ये सब चीज़ नाम लेकर आपसे पैसा मांगा जाएगा कि अगर आप ये पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ से आपका एयर टिकट और आपकी गेट पास सब कुछ रिलीज कर दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। और नीचे बताया जाता है कि रीज़न फॉर पेमेंट, क्यों ये पेमेंट ले रहे हैं, बताते हैं कि ये बहुत से लोगों के लिए इंटरव्यू अरेंज कर रहा है जिसका खर्चा उठा रहे हैं, और बहुत से लोग सीरियस नहीं होते, अप्लाई कर देते हैं लेकिन आते नहीं, इससे कंपनी का लॉस होता है, तो यही लॉस को रोकने के लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है। और ये जो अमाउंट है आपको इंटरव्यू के दिन मिल जाएगा। नीचे ये आपको बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना है, अपडेटेड रिज्यूम हो गया, आपका फोटोग्राफ हो गया, आपकी मार्कशीट या डॉक्यूमेंट्स जो भी है ये लेना, आपको बैंक स्लिप लाना है, ये सब चीज़ ये आपसे पूछेंगे लाने के लिए कहेंगे, स्कैन कॉपीज की लाने पड़ेगी, ID प्रूफ, ये सारी चीज आपसे मांगा जाएगा। नीचे HR का नाम, ID, कॉन्टैक्ट नंबर और जो भी कंपनी का एड्रेस है वो दिया जाएगा, लोगो दिया जाएगा आपको विश्वास दिलाने के लिए, ये सब चीज ये दिखाएंगे अपने कॉल लेटर में। अब मेन मकसद है पैसा, जहां आपने पैसा दिया, पैसा देने के बाद ये होगा कि ये आपसे पैसे पे पैसे मांगेंगे, यानी कि अगला बहाना ये होगा कि ऐसा है, अब आप ड्रेस कोड में आएंगे, ये है आपके पास, क्या लगेगा,
तो इसके लिए आपको पैसा भेजना पड़ेगा। हम आपको जो ड्रेस है यूनिफॉर्म से प्रोवाइड कर देंगे, वो आपने दिया, उसके बाद कहेंगे ट्रेनिंग फीस का, गेट पास के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। कभी कभी ये बताते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप सिलेक्शन के लिए आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा वो उसका आप पैसा दीजिए, वो आप देंगे। कभी कभी ये कहा जाएगा कि बॉन्ड का पैसा दीजिए, बॉन्ड कुछ है, और वो ये सारे बॉन्ड का जो पैसा है बाद में रिफंड हो जाएगा, रिफंड जरूर घुसेड़ेंगे ये लोग आपको, यकीन दिलाने के लिए आप पैसा दे दें, लेकिन एक बार पैसा गया तो पैसा आता नहीं है। तो या तो ये पैसे पैसे मांगते रहें, या फिर एक पॉइंट पे ये लोग आपसे कांटेक्ट बंद कर देंगे, आप इनसे कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, इनका फोन भी नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा। बहुत से लोग परेशान होकर इनके पास इस तरीके का कॉल लेटर आया या फिर पैसे की डिमांड करी गई, उन लोगों ने पोस्ट करी कंप्लेन, या फिर सोशल मीडिया पोस्ट किया, या कहीं भी कोई भी पॉपुलर वेबसाइट पर पोस्ट किया, तो जवाब आया इंडिगो का कि वो लोग पैसा नहीं लेते किसी भी तरीका का, किसी भी पोस्ट के लिए। अगर आपको इंडिगो का जॉब देखना है कि आप जॉब पोस्ट हुई, क्या इंटरव्यू चल रहा है, तो आप कैरियर्स गो इंडिगो डॉट इन पे आप चले जाइए, या अगर आपको फेक लेटर से कोई भी क्वेरी पूछनी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट है, तो आप eco@goindigo.in पे आप जाकर आप ईमेल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कांटेक्ट करना है तो बहुत सी चीज़ें हैं, आप सोशल मीडिया पर इनके जा सकते हैं, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको कांटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों इस तरीका से आपको पता करना पड़ेगा। और कभी कभी ये लोग क्या कहते हैं, जैसे आपने पूछा कि आप कोई फीस ले रहे हैं वगैरह, तो ये लोग शुरुआत में कहते हैं कि ऐसा है कोई फीस नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाद में आपसे कोई ना कोई बहाने ये फीस मांगेंगे, कहीं ना कहीं पे आपको अटका देंगे। कभी कभी ऐसा रहता है कि दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स मांग लेंगे, अभी कुछ हुआ नहीं है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, और ये सारी चीज़ लेने के बाद ये कहेंगे कि अब आप पैसा दो, अगर नहीं देते हो तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, आप कोई भी एयरलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर। अब यहाँ पे आपको डरा रहे हैं, तो इस तरीके से ये लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं, इस तरीके से आप लोग इसमें फंस जाते हैं। तो दोस्तों इन लोगों के लिए बहुत ही आसान है, कोई भी अगर फ्रेशर है जिसको नहीं पता है, बहुत ही आसानी से ये लोग बेवकूफ़ बना लेते हैं। तो ये चीज़ ये लोग करते हैं दोस्तों, मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ जो लोगों के साथ हुआ, मैं वही चीज़ बताता हूँ जो लोगों के साथ हुआ, और लोग वो कहते भी हैं कि ये हुआ है उनके साथ। तो दोस्तों यही आपके साथ भी होगा कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई फेक लेटर आया, आप इससे बचे कैसे। देखिए जिस भी नाम से, हम नहीं कह रहे हैं कि इंडिगो के नाम से, हो सकता है और भी कोई एयरलाइन या एयरपोर्ट के नाम से आपके पास जॉब आए और वो फेक निकले, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा, आपको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए, जो भी आपको कॉल करता है, अगर एचआर करता है, तो उस एचआर का कोई ना कोई लिंक्डइन प्रोफाइल होगा, अगर प्राइवेट है तो होना ही होना है उसका। उस पर जाकर देखिए जो लेटर में नाम लिखा है, जो सिग्नेचर है, या जो भी उसका नाम है या कॉन्टैक्ट नंबर है, वो लिंक्डइन पे है, ऐसा ऐसा आदमी है। अगर ऐसा आदमी है तो और आसान आपके लिए, क्योंकि आप उससे कॉन्टैक्ट करिए। अब आप पूछिए कि ये लेटर आपने भेजा है, ये आपकी कंपनी ने रिलीज किया है, इशू किया है, ऐसा है कि नहीं, वहीं पर आपको पता लग जाएगा ये सच है कि नहीं। अगर जिस नाम से आया उस नाम की कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पर कभी भी रैंडमली उसका नंबर, उसकी ईमेल आईडी गूगल पर सर्च मत करिएगा कि इंडिगो का कस्टमर सपोर्ट नंबर सर्च, आएगा कोई फर्जी और आप फंस जाएंगे। तो दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट जाइए, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाके देखिए, आपको सब मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाइए, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, या फिर आजकल सोशल मीडिया हैंडल बहुत एक्टिव है, जैसे कि ट्विटर, सोशल मीडिया अकाउंट पे बने रहते हैं, फेसबुक या फिर ट्विटर या इंस्टाग्राम, बहुत से ज़्यादातर ट्विटर होता है ऑफिशियल हैंडल जो होता है, तो वहाँ पे आप जाके अगर ट्वीट करते हैं तो आपको तुरंत जवाब भी मिल जाएगा। तो इंडिगो के नाम से हो या किसी के नाम से, वहाँ पे जाइए, आप अपनी क्वेरी पोस्ट करिए, आपको जवाब मिल जाएगा, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा कि आपको अप्रोच किया गया है कि नहीं, ऐसा कुछ चल रहा है भी कि नहीं। दोस्तों अगर कोई भी फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए आपसे पैसा मांगे, कोई भी फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं हुआ, आपसे पैसा मांग रहा है आने का या फिर कराने का, और आपसे पैसा मांग रहा है, आप मत जाइए, फ्रॉड है। इस तरह के जितने भी लोग आपसे पैसा मांग रहे हैं जॉब के नाम पे, पार्ट टाइम जॉब के नाम पे, या फिर आप कोई टास्क गेम खिलवा रहा है, सब फ्रॉड है। यहाँ पे आपको कोई भी अगर पैसा मांगे, चाहे जिस नाम से, एप्लीकेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, या ट्रेनिंग फीस, या सिक्योरिटी डिपॉजिट, या आपसे यूनिफॉर्म फीस, या आपसे बॉन्ड फीस, तो आपको नहीं देना है, क्योंकि ये सारे लोग स्कैमर हैं जो आपसे पैसा मांग रहे हैं जॉब इंटरव्यू कराने के नाम से, या आपका सिलेक्शन कराने के नाम से। उसके बाद आप ये देखिए, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, या आपसे ओटीपी शेयर करने के लिए कह रहा है, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है, आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, वो पॉपुलर कंपनी का नाम बता रहा है लेकिन आपने उससे फेस टू फेस बात नहीं करी, अभी कुछ हुआ नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से आपसे फीस मांग रहा है, कुछ भी कर रहा है,
तो आपको कुछ भी नहीं देना है डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट के नाम पे भी, डेटा के नाम पे भी आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, आप लोग नहीं समझ सकते। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके का स्कैम चल रहा है। मैंने बहुत से इंटरव्यू लेटर या फ्रॉड के ऊपर वीडियो बनाई, आप जाकर मेरी पिछली वीडियोज देखिए, और हर एक वीडियो आपको बचाएगी, आपका पैसा बचाएगी। और ये भी वीडियो को आप शेयर करें उन लोगों तक जो लोग फंसने वाले या फंस चुके हैं। अगर आप फंस चुके तो आप साइबर क्राइम पोर्टल पे तुरंत कंप्लेन करिए, जितनी देर में कंप्लेन करेंगे उतना मुश्किल होगा, तुरंत आप साइबर क्राइम पे कंप्लेन करिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड हो गया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।